एचएल टीवी न्यूज। फरीदाबाद की अंडर 16 टीम बनाने के लिए सेक्टर 9 स्थित डिवाइन क्रिकेट एकेडमी में रविवार को जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने ट्रायल का आयोजन किया। इस ट्रायल में 180 बच्चों ने शिरकत की, जिसमें से 60 बच्चे कैंप के लिए चुन लिए गए। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रतन भाटिया ने बताया कि सब जूनियर लीग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कैंप में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा ट्रायल के द्वारा बेहतर बच्चों को एसोसिएशन के कैंप में शामिल करने की भी कोशिश की गई है। इसको मुझे पता है। सर, ट्रायल चल रहा है, कौन सा ट्रायल है ये, तो क्या है? ये अंडर 16 जो बोर्ड ट्रॉफी होती है उसके लिए स्टेट जो बच्चों का सिलेक्शन होना है उसके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल है। इस ट्रायल के बेसिस पे हम लोग फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएंगे जो आने वाले अभी 30 तारीख से इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। तो ट्रायल कैसे कैसे किया जा रहा है, कौन कौन से ट्रायल के अंदर आया, कहाँ से बच्चे आए और कितने बच्चे हैं टोटल? एक्चुअली प्लान तो ये था कि हम लोग ट्रायल जो है बिना लिए ट्रायल लिए टीम बनाएं, लेकिन उसी तर्ज पे हमने डिस्ट्रिक्ट लीग शुरू करी थी जूनियर लीग, जिसमें कंपलसरी था कि जो बच्चे जूनियर लीग खेलेंगे उनकी परफॉर्मेंस पे उनका सिलेक्शन होना है। लेकिन दिमाग में ये बात रही कि कहीं पहला साल था लीग का, हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो लीग नहीं खेले हों या उनकी नॉलेज में ना हो, तो इसलिए ट्रायल लिया गया कि कोई भी ऐसा टैलेंट जो हमें लगता है कि डिस्ट्रिक्ट खेलने के लायक है और आगे स्टेट में जा सकता है तो उस बच्चे को पूरा मौका मिले, इसीलिए ट्रायल कराया गया, जिसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट का जो लीग में जो इतने इंचार्ज थे जिन्होंने टीमें लीग की खेल रही उन सबको इनवाइट किया कि वो आके सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड है वो सारा हमारे एसोसिएशन में है। उसके बावजूद भी कोई अच्छा बच्चा बॉलर, बैट्समैन, विकेटकीपर, जो किसी भी लिहाज से हमें लगेगा कि उसमें ये कैलिबर है, तो उसको हम कैंप में लेके और कैंप में उसका फिटनेस टेस्ट और सारी चीज़ें करके उनको मैचेस भी खिलाएंगे, उसके बाद टीम बनाई जाएगी। फरीदाबाद से हलचल टीवी के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।